राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा फिर विवादों में घिरी। राहुल ने विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। राहुल गांधी के साथ इलहान उमर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इलहान उमर से भी मुलाकात की। इलहान उमर ने कुछ समय पहले पीओके की यात्रा की थी, साथ ही उन्होंने कश्मीर पर भारत के नियंत्रण की भी आलोचना की थी। ऐसा माना जाता है कि इलहान के पीओके यात्रा पाकिस्तान के द्वार प्रायोजित की थी। इतना ही नहीं, इलहान पर आरोप है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि 20 करोड़ मुसलमान नरसंहार के कगार पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात की। रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई बैठक में मेजबानी सांसद ब्रेडल जेम्स शेयरमैन ने की और इसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जॉनथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार, जीसिस जी जॉर्जिया, इलहान उमर, हैक जॉनसन और जॉन शकोवेस्की शामिल थे। राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनीति डॉन लू और सांसद प्रमिला जयपाल से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ इलहान उमर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। पार्टी के प्रवक्ता और आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी हमला बोला। मालवीय ने एक्स पर अपने एक पोस्ट पर लिखा कि भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में इलहान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवास है, एक कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर की पैरेकार। यहां तक कि पाकिस्तानी नेता भी ऐसे उग्र तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर्क होंगे। कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है और ये बहुत ही निंदनीय है। वहीं भाजपा के एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी हमला बोला। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी उमर के साथ मुलाकात ये स्पष्ट कर देता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी तत्वों के साथ खड़े होते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते आए हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।